हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। एंड आज हम वापस से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमने कैसे बेड बनाया, कैसे हथियार बनाए और एक विलेज भी ढूंढा था और यहाँ पे एक झरना भी बनाया था। तो अभी बारी है अपना खुद का घर बनाने की। तो अभी मैं बहुत एक अच्छा जगह देख रखा हूँ, एकदम प्लेन एरिया में। ये थोड़ा पहाड़ पे है ना, तो थोड़ा दिक्कत होती है ऊपर नीचे उतरने में। इससे अच्छा हम चलते हैं इधर ग्राउंड की तरफ, एकदम प्लेन प्लेन जगह है। मैं सोच रखा हूँ कि मैं यहाँ नीचे दिख रही है पूरी ज़मीन, इसको अपना घर में बदल दूँ। तो चलो फटाफट से यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये सारे को क्लियर करते हैं, साफ कर लेते हैं और इसको अपने घर में बदल देंगे। यहाँ पे नीचे काफ़ी अच्छी प्लेन जगह है, देख रहे हो, मस्त जगह है ये वाली। तो यहाँ पे अच्छा खासा हम अपना बना सकते हैं। यहाँ पे एक केव भी है और यहाँ पे तो मज़ा ही आ जाएगा, देख रहे हो। ये पूरे एरिया में सोच रहा हूँ मैं अपना खुद का एक विलेज बना लूँ, और पहाड़ी पे तो ऊपर एक विलेज है ही। तो अभी तो रात होने वाली है, तो चलो फटाफट से मैं चल के सो लेता हूँ, नहीं तो मॉब्स वगैरह आ जाएंगे। अभी चलो जस्ट शाम ही हुई है, अभी जस्ट सूरज ढला है, तो उससे पहले फटाफट से इस घर में मैंने एक बेड लगा रखे। अरे उठो, तुम लोग खड़े रहो, मैं सोऊंगा। तो चलो भाई, यहाँ पे अब सुबह हो चुकी है एंड अभी हमारी बारी है वहाँ नीचे पूरा घर बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे। तो मेरे पे तो पिकेक्स है, एक और बना लेता हूँ मैं। पिकेक्स बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल, जो कि मैंने इधर नीचे की तरफ छोड़ के आया हूँ। सबसे पहले चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल पे। अरे इधर एक बिल्ली भी है, लेकिन इसको अपने पास लाने के लिए थोड़ा लालच देना पड़ेगा, फिर हमारी पेट बन जाएगी। तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, एक बनाना, इतना तो नहीं है हमारे पास। आयरन का बना सकते हैं ना, हाँ आयरन वाला बना सकते हैं, आयरन का बोल रहा हूँ। स्टोन पिकेक्स, चलो एक हमने बना लिया, एक में बहुत कम सी हेल्प बचती है। तो सबसे पहले चलते हैं विलेज बनाने की तरफ, थोड़ा तेज तेज भाग ले, भूख भी लगेगी भाई। हाँ एक मिनट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ब्रेड कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हेबेल बहुत सारे हैं ना, अभी पता है इसको ब्रेड में कैसे करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ये बन गई वीट यहाँ से। मेरे पास काफी सारी है ना, 63 वीट थे। अब इसको ब्रेड में हमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा क्राफ्टिंग टेबल पे। ये वीट को ब्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं हम। अरे अरे वैसे ऐसे ऐसे रख दोगे तो ब्रेड बन जाती है। चलो मेरे पास 21 ब्रेड हो चुके हैं, तो अब मुझे भूख नहीं लगने वाली, क्योंकि अगर भूख लगेगी तो मैं यहाँ पे ब्रेड खा लूंगा, मेरे इन्वेंटरी में पड़ी हुई है। चलो अभी थोड़ी सी लगी हुई है, तो सबसे पहले ब्रेड खा लेते थोड़ी बहुत। ओके तो अब मेरी हेल्थ फुल हो चुकी है एंड फूड बार भी अपना फुल हो चुका है। अभी सबसे पहले बारी है उस एरिया को क्लियर करने की, क्योंकि हम वहाँ पे विलेज बनाने वाले हैं। ओके अपन इस एरिया में करने वाले हैं। चलो मैं फटाफट से इसको क्लियर करता हूँ। इधर गुफा है, ओ बेटी, सबसे पहले इसको पैक करना पड़ेगा। मेरे पे काफी सारे डर्ट्स हैं, तो सबसे पहले इसको पैक कर देते हैं। और शिफ्ट दबा के अगर आप काम करते हो तो आप इधर गिरोगे नहीं, काफ़ी इजीली काम कर सकते हो बिना गिरे हुए। तो सबसे पहले इसको फटाफट से यहाँ पे पैक कर देते हैं। ओके गाइस, तो एरिया कम्प्लीटली पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, यहाँ पे अपना खुद का घर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे थोड़ा चेस्ट वगैरह बनाना पड़ेगा। तो देख लेता हूँ मेरे में वुड है, वुड तो नहीं है हमारे पास, तो हमें थोड़ा पेड़ काटने जाना पड़ेगा। पेड़ काट लेते हैं ताकि इससे हम चेस्ट बना सके, चेस्ट बनानी है हमें सामान रखने के लिए। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे पेड़ काट लिए हैं एंड यहाँ से दोबारा से रात हो चुकी है, तो वापस हमें जाना होगा सोने के लिए, वरना मॉब्स वगैरह आ जाएंगे। तो इस एरिया को हम बाद में क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल जहाँ पे हमें अपना खुद का विलेज बनाना था उसको ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर दिया है। देख सकते हो काफी ज्यादा साफ हो चुका है। ओए उठ, मुझे सोने दे। तो विलेजर को मस्त उठा दो और खुश हो जा। फिर से हो गई यहाँ पे
अभी हमें सबसे पहले चेस्ट बनाना था। ऊपर से मैं जो उधर मेरा है ना क्राफ्टिंग टेबल और बेड उसको भी ले आता हूँ। चलते हैं अपने विलेज शिफ्टिंग की तरफ। खुद का घर बनाना है यार उधर हमें, तो सारा सामान को भी शिफ्ट करना पड़ेगा ना। वैसे लकड़ी वाले टूल नहीं है मेरे पास, तो वो है ये तो सिर्फ मिट्टी खोदने के काम आता है। चलो क्राफ्टिंग टेबल ले लिया, बेड भी ले लिया अपन। चलो अब चलते हैं अपना खुद का घर बसाने। तो मैं इधर जो विलेज बना रहा हूँ ना, इसमें मस्त विलेजर को शिफ्ट करूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी हमें बहुत सारे काम करने होंगे। तो अभी सबसे पहले तो हमें ये करना है, इसको क्लियर कर दिया है, तो बीच में क्यों है इसको भी उठा लिया। ओके तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे काम क्या है, भूख लग गई यार, थोड़ा ब्रेड खा लेता हूँ मैं। तो मैं बोला था सबसे पहले हमें यहाँ पे काम पड़ने वाली है चेस्ट की, क्योंकि सारा चीज हम उसी में रखेंगे। तो चेस्ट बनाने के लिए बहुत ही एक सिंपल रेसिपी है, एक जगह रखो और यहाँ से प्लैंक में कन्वर्ट कर लो सबको। तो यहाँ पे 46 प्लैंक हो चुके हैं हमारे पास, और क्राफ्टिंग टेबल हम लेकर आए थे। तो हमारी क्राफ्टिंग टेबल कहाँ चली गई मुझे देखने के लिए। ओके ये रही, क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे रखने वाले हैं अपन, और इसके बाजू में बेड भी लगा देते हैं ताकि रात होती है तो जल्दी जल्दी सो जाए करूँ मैं। और क्राफ्टिंग टेबल पे अब बनाना है हमें एक चेस्ट, इसके अंदर हम सामान रख सकते। तो सिंपली ऐसे रखो और यहाँ पे चेस्ट बन जाएगी। ओके तो चेस्ट को हम जस्ट क्राफ्टिंग टेबल के बाजू में कर देंगे। तो अभी देख रहे हो काफ़ी छोटा सा चेस्ट है, तो इसी को बड़ा करने के लिए आपको क्या करना है, एक और चेस्ट बनानी है। क्राफ्टिंग टेबल की हेल्प से एक और चेस्ट बनाओ, सिंपली वही रेसिपी है, जस्ट साइड बाय साइड रख दो सारे वुडन प्लैंक को, और यहाँ पे एक और चेस्ट बन गई। अब इस चेस्ट को क्या करो ना, इसके जस्ट बाजू में रख दो। तो अभी देख सकते हो काफी बड़ा सा चेस्ट बन गया, लार्ज चेस्ट। तो अभी जितने भी सामान वगैरह हैं सब इसी में डाल दो। तो सब चीज यहाँ पे रख लेते हैं अपन, अभी माइनिंग करने जाने वाले हैं ना। ओ नहीं, खाना रखना है बहुत जरूरी है, और स्टिक्स तो बनानी होगी यार अपने पे। तो कोल है ना, कोल है अपने पे। चलो टॉर्च बन जाएंगी काफ़ी सारी। तो टॉर्च की गाइज एकदम सिंपल रेसिपी होती है, ये देखो एक यहाँ पे स्टिक, ऊपर में कोल, और चार टॉर्च आ गए मेरे पे, और चार आठ टॉर्च बना लिए। ठीक है, और बनाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए होगी, तो लकड़ी अभी मैंने इसमें रखी थी, तो इसमें से कितने, 1 2 3 4, चार लड़कियां नहीं लकड़ियां काफी हैं डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। तो बहुत तेज हो रहा है। सिंपली इसको ऐसे रख दो, वे रुक जा वहीं पे। ओके तो 8 लकड़ी बन चुके हैं, लड़कियां नहीं बनी है, बार बार लड़कियां बना रहा हूँ मैं। एंड टॉर्च हमारे पास काफी सारे हो गए, और टॉर्च बना लो, बना ही लेता हूँ। ओके 28 हो गए। ओके 36 टॉर्च बना लिया अपन। तो अभी माइनिंग करने जाने, उससे पहले हमें पिकेक्स भी बहुत सारे बनाने चाहिए, तो काफी सारी लकड़ियां भी बना ली हैं अपने, और इसको वापस से हम चेस्ट में रख देते हैं इस लकड़ी को। और यहाँ पे हमें एक और हथियार बनाना था, कहाँ गया स्टोन पिकेक्स, आगे चल के तो और टूटने वाली है, लेकिन वापस से हमें और ज़रूरत पड़ेगी पिकेक्स की। लेकिन अभी छोटा मोटा माइनिंग करने वाले हैं अपन। ओ एफ, तो अपन इधर से माइनिंग स्टार्ट करते हैं स्टोन से ही, बाद में इसको सबको भरना भी पड़ेगा यार। ये देख रहे हो इधर केव है पूरा, क्या करता हूँ ना, ये जो भी डर्ट वगैरह है इससे इनको भर देता हूँ सबसे पहले तोड़ के। तो फटाफट से ये वाला काम कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी थोड़ी देर में घर वर बनाना तो चालू करेंगे, मोब्स वगैरह स्पॉन हो जाएंगे यार अब तो थोड़ी देर में। अब सोना पड़ेगा अपने को, काफी रात होने वाली है, सो जा।
ओके गाइस, तो चलो वापस से मॉर्निंग हो चुकी है, अब हमें करनी है थोड़ी माइनिंग। तो माइनिंग के लिए अपन पूरा खाली करके आए हैं। ओके, तो मेरे पास टॉर्च है। एक और चीज कर सकते हो आप, ये जो टॉर्च है ना इसको इस हाथ में पकड़ा दो, उसके बाद जैसे, अरे ये नहीं करना है, ऐसे टॉर्च लगाते जाओगे राइट क्लिक कर करके, अंधेरा भी नहीं होगा। सिंपली ऐसे तोड़ते जाओ। अपने को एक है रॉक, कॉपर है, कॉपर अपने को मिलना चालू हो चुका है। अब ऐसे ऐसे स्टेयर बनाते जाते हैं अपन। ओके, चलो कोल भी मिल गए हमें इधर, और एक नहीं बहुत सारे कोल मिल गए, क्या बात है। कोल भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज होने वाली है गाइस। अभी हमें फर्नेंस बनाने हैं, उस पर हम खाना पका सकते हैं, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कोल, क्योंकि कोल को एज ए फ्यूल हम यूज कर पाएंगे यहाँ पे। क्यों ना इसको एक रूम में बदल दिया जाए, रुको इसको रूम में बदल देते हैं अपन। अब हमें वापस से पिकेक्स बनानी पड़ेगी गाइस, चलो चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल पे। यानी इसमें बहुत सारी बना के लाऊंगा मैं, 5-10 बना लेते हैं अपन, 5। लाइट लगाते हैं एक यहाँ पे अपन, एक इधर पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब थोड़ी माइनिंग हम इधर की ओर चालू करेंगे, एक इधर की ओर। अब तीन डायरेक्शन में अपन माइन करने वाले हैं गाइस, एक इधर की ओर। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं सामने की तरफ, ऊपर से विलेज ना गिर जाए अपने पे। एक लाइट जला लिया अपने पास, ताकि कोई भी जॉम्बी वगैरह स्पॉन ना हो। ओके, तो काफी सारा हमने इकट्ठा भी तो कर लिया। ये देख लो यहाँ पे एक जल रहा है, क्योंकि इनसे है ना धूप बर्दाश्त नहीं होती है, तो इजीली ये जल जाते हैं। इधर से बनाना चालू करते हैं अपन, बाद में इसको तोड़ेंगे दरवाजा के लिए। तो सबसे पहले मुझे एक फर्नेस बनानी है, वो काम कर लेते हैं अपन। खाना भी तो पकाना है अपने को। फर्नेस यहाँ साइड में रख देते हैं, तभी देखो ये फ्यूल हो गया। अभी मेरे पास रॉच मटन वगैरह था ना, हाँ इसको डाल देते हैं इसमें। ये देखो पकने के लिए डाल दिया, इसको बाद में डालते हैं, इसको चेस्ट में ही रख देते हैं। ये बहुत सारा फूड वगैरह हमें बना के देगा। फिलहाल अभी लकड़ियां हैं मेरे पे, आयरन का डोर बनाएंगे अपन। चलो आयरन को ढूंढना बहुत जरूरी है, चलो आयरन ढूंढते हैं। अबे वापस से इधर आ, ये किसकी आवाज थी भाई? भयंकर आवाज आ रही है भाई, ऐसा लग रहा है कोई चुड़ैल हंस रही है हमारे ऊपर। भाई मेरे को डर लग रहा है आगे जाने से, चुड़ैल है आगे। अरे भाई भाई कौन हंस रहा है ऐसे, फट रही है भाई एकदम से। पहले नहीं जा रहा भाई, छोड़ो भाई आज के लिए इतना ही रखते, चलो वापस। भाई हैवी आवाज आ रही है, भागो भागो जल्दी जल्दी। एक काम करते हैं ना गाइस, ये जो टॉर्च वगैरह मेरे पास बहुत सारी है, उसको घर के आजू बाजू लगा देते हैं। टॉर्च खत्म हो गई? नहीं नहीं है, है। इधर 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 यहाँ पे दो तीन लगाने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा ठीक है, बाद में इसको डिजाइनिंग में फेरा करेंगे। अभी सबसे पहले चलो इसको थोड़ा और ऊपर उठाते हैं। आयरन डोर बनाने के लिए बहुत सारी आयरन पेन जरूरत पड़ेगी फिलहाल। अभी नहीं, इतनी सारी नहीं बनी, तब बन गई तो क्या करती, लेना ही पड़ेगा। अच्छा खासा हो गया,
अब ऊपर में स्लैब्स वगैरह बनाने के लिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डालते हैं अपन। एनिमल फार्मिंग वगैरह पे भी आएगी वीडियो। आज हमने सीखा क्या क्या, वाटर से कैसे प्लांट क्लियर करते हैं, कैसे टॉर्च बनाते हैं, कैसे घर बनाने की प्रक्रिया चालू करते हैं, समझ सकते हो। बेड बना लिया हमने, चेस्ट बनाना सीखा, फर्नेस बनाना सीखा, माइनिंग के लिए सीखा। ओके, तो आज हमने ब्रेड बनाना भी सीखा, काफ़ी कुछ आज हमने सीखा आज के ट्यूटोरियल में। अब आगे और वीडियो पे काम करेंगे, थर्ड पार्ट इसका लाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर कर देना गाइज। लाइक का अपन टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे 100 लाइक का, तो लाइक कर दो फटाफट से। एंड घर को नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे अपन, अभी ये छोटा सा ही रखते हैं। इसका थर्ड फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट सारे जितने भी पार्ट्स बनेंगे सारे के सारे आने वाले हैं चैनल पे। माइनक्राफ्ट भी अभी फिलहाल खेलेंगे अपन, तो फिलहाल इतने ही पे रखते हैं आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहेंगे ऐसे ही माइनक्राफ्ट और अदर गेम प्ले वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बना